अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम वेब के बारे में बात कर लेते हैं, जो चीज़ आप इस वक्त यूज़ कर रहे हैं। द वेब इज़ द फास्ट नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स। 2019 के मुताबिक इस दुनिया में बिलियंस से भी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, और जब हम छोटे थे तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हुआ करती थी और हम समझते थे कि हम कूल हैं। तो वेबसाइट यूज़ किस लिए होती है? वेल, इन द बिगिनिंग रिसर्चर्स वेबसाइट्स को अपनी रिसर्च शेयर करने के लिए यूज़ किया करते थे, जैसे कि हाई एनर्जी पार्टिकल कोलाइडर्स। पर अब आजकल तो ये हर चीज़ के लिए यूज़ हुआ करती हैं, जैसे कि आप सोशल नेटवर्क के लिए यूज़ कर रहे हो सकता है अपनी फैमिली से चैट करने के लिए, यहाँ एक आप फोटो वेबसाइट यूज़ कर रहे हो अपने फ़ोटोज़ को शेयर करने के लिए, अपने फ़ोटोज़ यहाँ हो सकता है अपने पेट्स के फ़ोटोज़, अपने बिल्ली के फ़ोटोज़, या आप हो सकता है एक ट्रेवल वेबसाइट यूज़ कर रहे हो कि आपको कहाँ जाना है, या हो सकता है आप न्यूज़ वेबसाइट यूज़ कर रहे हो कि ये जानने के लिए कि दुनिया में आजकल क्या हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स यू मस्ट बी यूजिंग दिस वेबसाइट टू लर्न। आप YouTube यूज़ करने हैं सीखने के लिए, तो आपकी सबसे फेवरेट वेबसाइट कौन सी है? एक्चुअली इससे भी अच्छा सवाल ये है कि आप ऐसी कौन सी वेबसाइट बनाना चाहते हैं जो इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती। मैं भी आप अपने अपने बारे में वेबसाइट बनाना चाहें या उस चीज़ के बारे में जिसको आप पसंद करते हैं। और कूल थिंग ये है कि आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग, और आप इसको यहाँ लर्न करेंगे ग्रेस्ट एजुकेशन में। हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इट्स अ बंच ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट हैव वेबसाइट्स। जब कोई कंप्यूटर एक वेब के साथ कनेक्ट होता है और वो कंप्यूटर वेबसाइट प्रोवाइड कर रहा होता है हमें, तो वो सर्वर कहलाता है, क्योंकि वो हमें वेबसाइट सर्व कर रहा है। ठीक है, और अ वेबसाइट जो लिखी जाती है वो तीन लैंग्वेजेस में लिखी जाती है, तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखी जाती है। सबसे पहले HTML, जो कि वेबसाइट के कंटेंट बनाने में काम आती है। उसके बाद CSS, वेबसाइट को स्टाइलिश बनाने में काम आती है। और JavaScript, जिसके थ्रू हम इंटरैक्टिव बनाते हैं अपनी वेबसाइट को। तो एक यूजर वेबसाइट्स को कैसे देखता है? तो उसके लिए उसको चाहिए होता है वेब ब्राउजर। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास हैं क्रोम, फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर, और हम उसे कहते हैं ब्राउजर्स। ब्राउजर्स जो है हमें वेबसाइट शो करते हैं। सारे ब्राउजर्स वेबसाइट को एक ही तरीके से शो करते हैं, जैसे कि हम YouTube खोल लें, अगर वो हम क्रोम में खोल रहे हैं वो भी हमें वैसे ही दिखेगा, अगर फायरफॉक्स में खोलेंगे या हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलेंगे तो YouTube हमें एक ही तरह का दिखता है। तो सारे ब्राउजर्स सेम वे में एक वेबसाइट को ओपन करते हैं, लेकिन ये सारे ब्राउजर्स कुछ ना कुछ डिफरेंसेस के साथ आते हैं। तो समटाइम आप देखते होंगे कि ओप्स, देयर्स अ बग इन दैट ब्राउजर। कभी कभी हम ब्राउजर में बग आ जाते हैं, तो वहाँ पे आता है ट्राई अनदर वन। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट एक्सप्लोरर में कोई वेबसाइट काम नहीं कर रही तो हम क्रोम में खोलते हैं उसको, तो वो चलना शुरू हो जाती है। तो आप कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं इस वक्त? वेल, आप कोई ना कोई तो ब्राउजर यूज कर रहे ही होंगे, आपके मोबाइल में या लैपटॉप में। जो भी आप यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या स्मार्ट टीवी में, उसको हम क्लाइंट कहते हैं। क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, क्लाइंट्स आर वेरी डिफरेंट। ये छोटे भी हो सकते हैं जैसे मोबाइल्स हैं, या बड़े भी हो सकते हैं जैसे कंप्यूटर्स हैं। टच स्क्रीन वाले भी होते हैं, टाइप वाले भी होते हैं, तो कीबोर्ड वाले भी होते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी होते हैं। तो क्लाइंट्स कोई भी हो सकता है। तो एक वेबसाइट को, अगर वेबसाइट है तो उसको अगर मोबाइल में चलना है उस तरह चलना होगा, लैपटॉप में चलना है उस तरह चलना होगा, तो उसको पता होना चाहिए। तो हम वेबसाइट हैव टू ट्राई टू वर्क वेल इन ऑल सोर्ट्स ऑफ क्लाइंट्स। तो वेबसाइट को सारे क्लाइंट में ठीक तरह से चलना चाहिए। But now I think it's about time to start having you write some HTML and CSS to make your own web pages. So meet you in a next video. Please subscribe my channel and press on bell icon. Thank you.